नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को दोषी करार दिया गया था, लेकिन वीर सावरकर को बरी कर दिया गया था। तो लाल किले में चल रहे मुकदमे के दौरान वहां मौके पर मौजूद कुछ अभियुक्त वीर सावरकर के पैरों में गिर पड़े थे और मिलकर उन्होंने नारा लगाया था कि हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, कभी ना होगा पाकिस्तान। ऐसा जीवनीकार धनंजय कीर ने सावरकर की जीवनी सावरकर एंड हिज टाइम्स में बताया है। अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी पाकिस्तान की तरफ से रोज हो रही उलझुल बयानबाजियों से तंग आने के बाद सावरकर के जीवन पर विक्रम संपत की तरफ से लिखी गई किताब सावरकर इकोस फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट के विमोचन के मौके पर कांग्रेस पर वार करते हुए हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर को याद किया और कहा कि अगर विभाजन के वक्त देश के प्रधानमंत्री वीर सावरकर होते तो पाकिस्तान अस्तित्व में ही नहीं होता। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने तो वीर सावरकर को फिर एक बार भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग कर डाली। यहाँ पर ठाकरे ने यह भी साफ किया कि वो महात्मा गांधी और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के किए कामों से इनकार नहीं करते, लेकिन देश ने दो से ज्यादा परिवारों को राजनीतिक परिदृश्य से अवतरित होते देखा। उन्होंने तो कांग्रेस पर वार करते हुए ये तक कह दिया कि उन्हें नेहरू को वीर कहने में गुरेज नहीं होता, अगर नेहरू ने सावरकर की तरह 14 मिनट भी जेल में गुजारे होते। सावरकर तो 14 सालों तक जेल में रहे थे। फिर राहुल गांधी पर तो मानो उद्धव ठाकरे का गुस्सा ही फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को इस किताब की प्रति दी जानी चाहिए। ये ठाकरे की राहुल गांधी के उस बयान पर कटाक्ष था जब उन्होंने नेहरू के लिए कहा था कि वो देश के लिए जेल में रहे थे। ठाकरे ने राहुल गांधी के बारे में बात करते हुए कहा, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सावरकर 14 साल तक जेल में रहे थे और उन्होंने बहुत यातनाएं झेली थी। अगर नेहरू को 14 मिनट के लिए यही दर्द होता तो मैं उन्हें वीर कहता। बता दें, 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े हिंदूवादी माने जाने वाले विनायक दामोदर सावरकर को हमेशा से ही शिवसेना का समर्थन हासिल होता रहा है। सावरकर भले किसी के लिए हीरो हो और किसी के लिए विलेन, लेकिन शिवसेना के लिए वो हमेशा ही एक हीरो के तौर पर रहे हैं। उसके पीछे की वजह है कि सावरकर ने जीवन भर हिंदू हिंदी और हिंदुस्तान के लिए ही काम किया।